हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुधीर कुमार और आज हम बालाजी ब्लॉग्स के अंदर आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो फ्लावर्स मैंने यहाँ पे सीड लगाए थे, कॉस्मोसिस मिक्स सीड्स हैं फ्रेंड। और कॉस्मोसिस के मिक्स सीड ये आप देख सकते हो, न्यू प्लांट इसमें जर्मिनेट हो चुके हैं, बिल्कुल छोटे छोटे न्यू प्लांट है और अभी इनको ट्रांसप्लांट करने का वक्त आ चुका है। और इसमें एक जो बड़ा फ्लावर है, इसका मुझे नाम नहीं पता है, और इसको भी हम साथ में ट्रांसप्लांट करेंगे। जब मैं इनको लाया था, बिल्कुल छोटा सा था ये, और ये सीजनल नहीं है, ये 12 मंथ अपने पूरा विद इन साल। इसमें जो पुराने फ्लावर आप देख रहे हो, पहले बिल्कुल इसमें खिले हुए थे, वो मर चुके हैं, अभी न्यू फ्लावर इसमें जर्मिनेट हो रहे हैं। और जैसे जैसे मान लो ये न्यू वाले सूख जाएंगे और दोबारा सॉरी पुराने वाले जो अपने सूखते जाएंगे और न्यू आते जाते हैं। और इसमें जो कॉस्मोसिस के मिक्स सीड है, इनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे बिल्कुल यहाँ पे। और साथ ही में वहाँ पे आप देख रहे हो वो बनाना ट्री है, और साथ में मैंने यहाँ पे पहले सनफ्लावर के सीड उगाए थे। ये एक लार्ज होती है, एक स्मॉल है, तो ये स्मॉल वाले सीड्स हैं सनफ्लावर के, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जर्मिनेट हो चुका है। एक ये है सनफ्लावर, एक ये है, ये है, ये है, एंड ये, और ये बनाना ट्री आ गया हमारा। और इसके साथ ये दो सनफ्लावर हैं और एक ये। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैंने जितने भी यहाँ पे सीड बोए थे वो सब के सब जर्मिनेट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे पॉट की तरफ, हम इनको पॉट से यहाँ पे ज़मीन में ट्रांसप्लांट करेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये अपने ग्रोथ होएगी तो इसमें स्टेबल नहीं रह पाएंगे, तो इनको पानी वगैरह पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे देना संभव नहीं है, और इनकी ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इनको हम यहाँ पे ज़मीन में ट्रांसप्लांट करेंगे। नाउ वी नीड ए खुरपी एंड ट्रे फॉर ट्रांसप्लांट। यहाँ पे मैं पहले से उनके लिए यहाँ पे एक हॉल डिक कर लेता हूँ, यहाँ पे जमीन को खोद लेते हैं। काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि मैं यहाँ पे पानी लगाता रहता हूँ, और 2-3 दिन पहले से मैं यहाँ पे पानी लगा रहा हूँ। पहले यहाँ पे कुछ और मैंने पौधे लगाए थे, वो यहाँ से ट्रांसप्लांट कर दिए, ऑरेंज का, नींबू का, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स थे, वो मैंने ट्रांसप्लांट किए। तो इतना काफ़ी रहेगा इस बड़े प्लांट को यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो चलिए इसको हल्के से बिल्कुल सॉफ्टली हम डिक करते हैं, ताकि जड़ों पे इसके नुकसान ना हो। हल्के से बिल्कुल साइडों में थोड़ी थोड़ी ज़मीन से आप मिट्टी निकाल लीजिए, और ध्यान रखिए यहाँ पे साथ में आपके छोटे छोटे कॉस्मोसिस के प्लांट भी है, उनको भी ट्रांसप्लांट करना है, तो इसको निकालना ज़रूरी है पहले, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आफ्टर डैट इनको आराम से हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे छोटे वाले सीड्स को। तो रूट इसकी काफ़ी नीचे तक चली गई है, देख सकते हो मैंने नीचे से, एक्चुअली क्या है, कई लोग पेंसिल वगैरह से निकालते हैं इसको, तो आप क्या कीजिए, नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये रूट्स को अपने आप ही पंप करेगा, और वो ऊपर आया था प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल निकल चुका है। अभी इसको आप यहाँ से पकड़िए, एंड ये रहा, आप देख सकते हो इसकी रूट्स, और ये ज़्यादा लंबी रूट्स नहीं गई अभी इसकी, क्योंकि अभी मैंने इसको 15 दिन पहले यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया था, और इसको मैं नर्सरी से लाया था। और ये जो सीड्स है ये मैंने ऑनलाइन बाय किए थे अमेजोन से, और मैंने और लगभग 30 वेराइटीज़ यहाँ पे मंगाई थी फ्रेंड, और वो वहाँ पे उस साइड लगा रखी है। बाद में धीरे धीरे उन सभी की वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए हम कॉस्मोसिस जो मिक्स सीड हैं इनको भी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, पहले इस बड़े वाले जो प्लांट को यहाँ पर अच्छी तरह से लगा देते हैं। इसको ट्रांसप्लांट करने से पहले आप इसको थोड़ा सा निकाल के ऐसे ज़मीन बाहर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार नीचे ज़मीन में कीड़े या फिर दीमक वगैरह लग जाती है पौधों को, और जड़ों में नुकसान पहुंचाती है। और इसके लिए, इसको बेटर बनाने के लिए, इसकी ग्रोथ को बढ़िया करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास पड़ा है बिजली फेनरेबल 0.4% डस्ट इंसेक्टिसाइड है फ्रेंड, ये बिजली नाम का, और ये आपको ईजिली आपके नर्सरी में उपलब्ध होएगा, ये आपके विद इन 40-50 रुपीज़ में आ जाता है। कीटनाशक है, इसमें किसी प्रकार का कीड़ा वगैरह आपके जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसको हम शुरू में नीचे डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये इंसेक्टिसाइड हम डाल रहे हैं, लगभग इतना ही आपको इंसेक्टिसाइड यहाँ पे डालना है इसमें। और
और साथ ही यहाँ पे मेरे पास है मैन्योर, यानी कि प्योर काऊ का जो डंक है, गाय के गोबर की जो खाद है, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है, बिल्कुल बारीक है। और अगर आपको यूज़ करनी हो कोई भी गोबर की खाद तो बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल पिसी हुई। तो यहाँ पे ये बिल्कुल प्योर और मैन्योर है, गाय के गोबर की खाद है। और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं। और आफ्टर दैट क्या करेंगे, इस प्लांट को यहाँ से इसमें रख देंगे और इसके साइडों में हल्की हल्की मिट्टी लगा देते हैं, जो ढकी हुई थी वही लगा देते हैं। और इसके साइडों अच्छी तरह प्रेस कर दीजिए ताकि नीचे स्टेबल हो जाए, इसकी जड़ें जल्दी पकड़ लेंगी। तो इसको यहाँ पे ऐसे हमने प्रेस कर दिया, सॉरी हमारा फ्लावर भी नीचे जा रहा था तो हमने उसको निकाल दिया, इसकी हेल्प किया ऊपर आने में। तो ये कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड अब इनकी बारी है छोटे प्लांट्स की, इनको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये कॉस्मोसिस के मिक्स सीड है, अब इनको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। इससे पहले हम इनको अच्छे से डिक करके ट्रे में निकाल लेते हैं धीरे धीरे सॉफ्टली। तो चलिए, तो फ्रेंड अभी इनको हम डिक कर लेते हैं अच्छे से और इस ट्रे में एक बार निकाल लेते हैं। तो इनको बिल्कुल सॉफ्टली आप ऐसे ही प्रेस कीजिएगा नीचे, पहले इनको ऐसे डालना है और उसके बाद ऊपर की तरफ आप निकालोगे तो ये। बिल्कुल अंदर से अभी जर्मिनेट हो रहा था, ये सूरजमुखी का फूल है सनफ्लावर का, जैसे ये सूरजमुखी के फूल हो गए हुए, तो ये कट हो गया है, मुझे ध्यान में नहीं रहा होगा। और एक्चुअली ध्यान में क्या, ये नीचे ही था जमीन के अंदर से, अभी निकला ही नहीं था बाहर। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे कॉस्मोसिस के मिक्स सीड लग जाएंगे तो एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काऊ का जो डंक है, हमने गाय के गोबर की जो खाद है ऊपर ऊपर इसको फैला देना हल्के से, बारीक खाद को यहाँ पे डालिए आप अच्छे से ग्रोथ करने के लिए प्लांट की। आप यहाँ पे थोड़ी सी जैसे खाद मैंने डाल दी है यहाँ पे, इसको मिक्स कर लीजिए सॉइल के अंदर ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो, इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो इंक्रीज हो। आप जो मार्केट से लाओगे जितनी भी खादें वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी जो गोबर की खाद है। और या फिर आप जैसे पुराने जो पत्ते हैं पेड़ के, सूखे हुए पत्ते हैं, उनकी खाद बना के उनका बारीक से पाउडर बना के वो यूज़ कर सकते हो, या कोकोनट की जो छाल होती है वो यूज़ कर सकते हो। मीन नेचुरल खाद का उपयोग कीजिए जितनी हो सकती है। और यहाँ पे मैं हल्का सा थोड़ा सा इंसेक्टीसाइड डाल देता हूँ ताकि जमीन में, बाकी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आप बड़े जो मजबूत तने वाला पेड़ लगाते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है, हालाँकि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम बाकायदा सेफ्टी के लिए फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इंसेक्टीसाइड डाल देते हैं। तो चलिए अब बारी है ट्रांसप्लांट की। तो फ्रेंड अभी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो मेरे पास आप देख सकते हो ऐसे स्टैक बन चुके हैं प्लांट्स के। यहाँ पे पुराने वाले जो गमले की मिट्टी थी वही साथ में अटैच्ड है इनके, और ऐसे कैसे मैंने इनको उखाड़ लिया है। और यहाँ पे आप इनको हल्का हल्का दबा दीजिए और साइड में मिट्टी लगा दीजिए, और ऐसे ही साइड में यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, ऐसी हल्की सी मिट्टी निकालनी है और इसको रख देना पोज।
और ये प्लांट फ्रेंड इसके फोर लीव्स निकल चुके हैं और गिनती के ही ऐसे प्लांट हैं मेरे जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं हाइट में और ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आपने देखा मैंने पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए है और बिल्कुल न्यू और स्मॉल हाइट के प्लांट आई और धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे इन पे फूल वगैरह आते हैं कॉस्मोसिस के मिक्स सीड, तो आपको भी दिखाएंगे यार, अपडेट देते रहेंगे धीरे धीरे। और मेरे अदर वीडियोस को देखने के लिए अन्य जानकारी मैं अभी बहुत सारी इसमें वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, मेहनत तो सबकी लगती है, आप भी देख रहे हो तो आपकी मेहनत है। अब देख सकते हो आप, ये इसमें से न्यू फूल निकलने वाला है, फ्लावर निकलने वाला है, जो सूख चुके हैं उनका बीज तैयार हो जाता है, ये नीचे गिरेंगे अपने आप यही प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। और सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, और इसके मैं अपडेट आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। और आपको इसको लगाने के बाद इसमें और दिन में एक बार कम से कम इसमें वाटर और वो भी शावर के साथ करनी है, जैसे ये मैंने यूज़ किया है। इसमें मैंने ग्रोथ बूस्टर मिक्स कर रखा था, ग्रोथ बूस्टर आपको बता देता हूँ ग्रोथ के लिए होता है फ्रेंड, तो इनकी ग्रोथ अच्छी हुई इसके लिए मैंने यहाँ पे मैन्योर भी डाली है और कीड़ों से बचाव के लिए यहाँ पे कीटनाशक दवाई डाल दी है मैंने, दवा है जो वो इंसेक्टिसाइड, और साथ में ग्रोथ बूस्टर का ऊपर पानी में मिक्स करके छिड़काव भी कर दिया है। अभी थोड़ी देर बाद इनको सावर से हम पानी भी दे देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।